पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ऐसी दौरान एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन पर राउटी के पास खेत में छुपाकर रखी शराब पुलिस ने पकड़ी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। रावटी थाना पुलिस को सूचना मिली कि जैनपुरा फटे के पास स्थित खेत पर शराब छुपा कर रखी है। सूचना मिलते ही पुलिस मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर छानबीन की तो खेत में बक्से रखे मिले। देखने पर उसमें शराब रखी मिली। पुलिस ने खेत से 7 बक्सों को जब्त कर उनमें भरे 345 क्वार्टर जब्त किए। जब्त शुदा शराब 17,000 से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में कैलाश नामक युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज किया है। कल जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि चैनपुरा तिगट्टे के पास एक कैलाश जुड़िया के व्यक्ति है जो अपने खेत में कुछ अवैध रूप से शराब रखे हैं, जो कि तत्काल पुलिस टीम को भेजा गया, जिसमें चेकिंग के दौरान खेत में से 7 पेटियां देसी मदरा प्लेन शराब की मिली, जो कि व्यक्ति से पूछने में कोई भी इसके पास कागजात नहीं थे, तो तत्काल उसके खिलाफ 34-2 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर लगभग कितने पैसा की कीमत होगी उसकी? 7 पेटियाँ हैं शराब की, जिसमें करीबन 62 लीटर शराब जब्त की गई है। आरोपी गिरफ्तार किया गया, जिसको रिमांड में भेजा गया।